अस्सलाम वालेकुम बहन और बहनों के भाइयों को मेरे व्लॉग में फिर से बहुत 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 वार्म वेलकम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन ज़रूर दबा दो ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी से तुम्हारे चैनल के ऊपर खटका दे दें कि लो भाई हम आ गए। तो जी थंबनेल से तो आप लोग पहचान चुके होंगे कि हम लोग किधर जा रहे हैं। दमाम की सड़कों पर तो खाली फोकट में घूमने के लिए तो आए नहीं हैं हम लोग बाहर। हम जब भी बाहर निकलते हैं ना कोई मकसद होता है, कहीं ना कहीं कोई ऑफर लगी हुई होती है। जी हाँ, ऑफर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे दमाम में ओपन हुआ है कॉर्निश बी लबन, जहाँ हमने लास्ट से लास्ट वीकेंड खाया था। उसी लाइन में वहमी बर्गर, ये जो सामने चौरंगी दिख रही है ना आप लोगों को, बस इसी की सीध में चलते जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे वहमी बर्गर मिलता है जनाब। वो थेम भी आ जाता है रास्ते में और वहमी बर्गर का तो हम जाके पूरा शिजरा खींचेंगे। हम रास्ते के मजे लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बी लबन और बी लबन की लाइन में ही खुला है वहमी बर्गर बी लबन का। अगर जिसने भी वीलॉग नहीं देखा है तो वो सबसे पहले जाके वही वाला वीलॉग देखे, उसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। तो जी ये रहा वहमी बर्गर, बस इसकी जो टर्निंग है थोड़ी सी खतरनाक है क्योंकि बहुत रश है भाई साहब, मतलब कार टू कार लगी हुई क्योंकि ये पूरी फूड स्ट्रीट है जो कि कॉर्निश दमाम कॉर्निश के करीब है, रोमांसिया के बिल्कुल सामने। अभी हम गाड़ी से उतर के पूरा नक्शा खींचेंगे तो फिकर नॉट, जस्ट एंजॉय एंड मस्ट लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। ओ भाई, लोगों के गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है भाई। टर्निंग की जगह पे लोग गाड़ी पार्क करके निकल रहे हैं बाहर ऑर्डर देने के लिए, मतलब क्या बोलें यार। फाइनली भाई हमें तो पार्किंग मिल गई, वो भी सीधे सीधे रोमांसिया के बिल्कुल 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 सामने। भाई गाड़ी से उतरने की गलती हमने कर ली है और शॉप के अंदर मैं देख रही हूँ कोई जगह नहीं है, सिटिंग एरिया बाहर है। तो देखते हैं भाई कि अब हमें बाहर बैठ के खाना है क्योंकि अगर हम पैक करवा के कहीं लेके जाएंगे तो वो तो बर्गर का तो चार्म है जो वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। और यहाँ तो इस कदर रश है कि हमें शोर शराबे में बाहर ही बैठ के मेरा ख्याल है खाना पड़ेगा। लेट्स सी नबील सुल्तान क्या डिसाइड करते हैं। देखा 5 मिनट खड़े होने के बाद ही हम लोग वापस गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। हम एक फैमिली का वेट कर रहे हैं और उसमें ही हमारी हालत ख़राब हो गई। भाइयों और बहनों, बड़ी मुश्किल से फैसला ये तय पाया है कि यहीं बैठ के हम खाएंगे और बाहर यहाँ पे सिटिंग एरिया है, कहीं पंखे वंखे के करीब जाके बैठ जाएंगे। और ये रही जगह, जी रेड कारपेट है भाई, अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं हम लोग, मतलब हल्का नहीं आ रहा ये रेड कारपेट, मतलब इसकी वाइब भी कुछ तूफानी आ रही है। तो पता नहीं बर्गर ही कैसा होगा भाई साहब। तो चलो चलते हैं अंदर और ऑर्डर्स खूब लगे हुए हैं। और ये जो फूड पांडा हंगर स्टेशन, ये तो ऐसे खटाखट चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम भी जाके अपना ऑर्डर देते हैं और देखते हैं। ये जी हम लोग एंटर होते ही हमने ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। रश ज़्यादा नहीं है, लोग ऑनलाइन ऑर्डर पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, हम तो भाई चलकर आके ऑर्डर दे रहे हैं। और ये ऑर्डर्स हैं और इनके रेट्स भी आप लोगों के सामने हैं, वेरी चीप एंड वेरी वेरीएबल एंड वेरी 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 बेस्ट। भाई साहब बर्गर आने से पहले वॉल को मुलाजा फरमाए, बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त वाइब दिया ना उसने गेट खुलते ही कि क्या कहूँ, मस्ट कम एंड टेस्ट इट वहमी बर्गर एंड एन्जॉय द मील। फुल मील अवेलेबल है भाई साहब कम प्राइजेस में। अपना ऑर्डर दे दिया है फुल मील और अब जब आएगा तो अब हम वेट करते हैं बाहर जाकर, जब तक सिटिंग एरिया में वेट करते हैं। और ये रहा हमारे ऑर्डर का फतूरा एंड लेट्स गो टू द आउटसाइड और इस चौरंगी के मज़े लेते हैं बैठ के यार कॉर्निश के करीब। और ये रहा वहमी बर्गर और ये रहा मेरा बर्गर।
और ये रहे हम गर्मी में तपते हुए, और यहाँ मैं बैठी हुई क्या देख रही हूँ कि सामने वाली जो आंटी है ना सिल्क पहन के जा रही है इस गर्मी के अंदर। भाई सैल्यूट है यार, मतलब इतनी हिम्मत कैसे कर ली सिल्क पहनने की वो भी गर्मी में। यहाँ मैं इस बच्चे से तफरियां ले रहा नबील और शारिक भाई की, यार एसी खोल दो थोड़ा यार। ओवरऑल इन लोगों की सर्विस, इन लोगों का जो मटेरियल है, जो तरीके का है खिलाने का लोगों को, वो बहुत अच्छा है। लेकिन बस एक रिकमेंडेशन है इन लोगों के लिए कि यार बाहर के एरिया के अंदर प्लीज लोगों के लिए कुछ फैन वगैरह अरेंज कर दो, ताकि लोग अपना मील आराम से बैठ के, सुकून से बैठ के हवा में खा सकें। एटलीस्ट इस मौसम के लिए तो लोगों का ख्याल कर लो। भाई बर्गर तो काफ़ी खाए, लेकिन बर्गर के साथ ही कॉर्न का कॉम्बिनेशन मैंने पहली दफ़ा देखा है। और भाई साहब इतनी सफाई के साथ कौन खाएगा? यहाँ ग्लव्स भी दे दिए हैं पहनने के लिए। भाई मैं तो ना खा पाऊंगी ऐसे। नहीं नहीं मैं वैसे ही खा लूंगी, मेरे को पकड़ा भाई। पता नहीं ये सारे क्यों ग्लव्स पहन रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं पहनूंगी, मैं तो नहीं पहन पाऊंगी ये ग्लव्स। ग्लव्स पहन के कैसे बर्गर पकड़ेंगे? हाथ में स्लिप हो गया तो नुकसान। यार ये कॉर्न का कॉम्बिनेशन कोई समझा दे भाई, जो भी है बड़ा यूनिक और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। फ्रेंच फ्राइज का साइज चेक करो भाई साहब। इसी बात पर मस्ट लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो से माशाल्लाह एज वेल एज। ओ भाई लेवल की चीज़ सॉस डला हुआ है, ओ माय गॉड। मैंने कट किया है ये, और क्या इसमें से मतलब पिज़्ज़ा वाली वाइब आ रही है, ओ माय गॉड। ये हम शारिक भाई का बर्गर खुलवाया, इनमें बिल्कुल भी चीज़ नहीं निकली है, सिर्फ एक एक थ्रेड टाइप निकला है। और यहाँ ये हमने अभी खा पी लिया है, और ये हमसे अपना चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवाने आ गए हैं, तो हम भी करवाते हैं भाई, ये काम तो बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का एक ही मकसद बच गया, अपने चैनल का प्रमोट करना और प्रोमोशंस देना। तो जनाब जाइए, जाके जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और वहमी बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में हम सबको बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। एंड से माशाल्लाह एज वेल एज मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।